Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today we are going to discuss constrictive pericarditis. As the name shows, pericarditis means the inflammation of pericardium. So, constrictive pericarditis ka kya matlab hai ki diffuse thickening ho jati hai pericardium ki in response to inflammation. जिसकी वजह से अब किसी भी चीज की वॉल की जब थिकनिंग हो जाती है तो वो पूरी तरह डिस्टेंड नहीं कर पाती। तो जब कार्डिक चैम्बर्स की हो जाती है थिकनिंग, तो क्या होता है कि रिड्यूस डिस्टेंसिबिलिटी हो जाती है कार्डिक चैम्बर्स की, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है एक वो कम हो जाती है, दूसरा कोई भी चीज जब जिसकी वॉल्स थिक होंगी उसे फिल करने के लिए प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये क्यों होता है, क्यों थिकनिंग हो जाती है। इसके हमारे पास डिफरेंट कॉजेस आते हैं। नंबर वन पे एडियोपैथिक है, हमें नहीं पता कि वो इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है। इसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी के बाद होता है, ये थोरेसिक रेडिएशन के बाद होता है, कोई भी इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन के बाद कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं। तो जब भी हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, तो पेशेंट हमारे पास डिस्निया के साथ प्रेजेंट करेगा और डिस्निया का एग्जर्शन पे वर्स हो जाएगा, क्योंकि जो जब एग्जर्शन होती होगी तो हमारी कार्डिक आउटपुट लिमिट हो जाएगी। ठीक है, ऑर्थोपनिया भी होता है 50% ऑफ पेशेंट्स में। सिम्टम्स और साइंस जो होते हैं वो बेसिकली सिस्टेमिक जो वीनस हाइपरटेंशन है उसकी फॉर्म में पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जब फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा तो पेशेंट सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा एसाइटीज होंगी, एडिमा होगा, जॉन्डस होगा। जब भी किसी प्रेशर पड़ता है वहां पे, वहां से एंडोथीलियम स्ट्रेच होती है, सीप आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पेशेंट एडिमा एसाइटीज के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा हेपेटोमेगैली होगी अगर राइट साइड फेलियर है, अगर उसके जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हमें मिल सकती है जो कि इंस्पायरेशन के साथ इंक्रीज कर रही होगी। ये बात आपने याद रखनी है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हमें कॉस्मॉल साइन मिलता है। कॉस्मॉल साइन का क्या मतलब है कि जुगुलर वीनस डिस्टेंशन जो है वो इंस्पायरेशन पे इंक्रीज करती है और एक्सपायरेशन पे डिक्रीज करती है, दिस इज कॉल्ड कॉस्मॉल साइन। ठीक है, उसके बाद जब हम पेशेंट की हार्ट साउंड सुनेंगे तो हमें जो है अर्ली डायस्टोलिक एपिकल साउंड मिलेगी। ठीक है, जिसको हम पेरिकार्डियल नॉक कहते हैं। तो दो ही लफ्ज याद रखने हैं, कॉस्मॉल साइन और पेरिकार्डियल नॉक। ठीक है, ये दो चीजें अगर प्रेजेंट हैं, साथ में पोस्ट वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो हम कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का सोचेंगे। और क्या है, डिस्निया है और ऑर्थोपनिया भी है। ठीक है, डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे, हम चेस्ट सिटी या एमआरआई कराएंगे जो कि बेस्ट टेस्ट है। इस पे हमें क्या पता चल जाएगा, इस पे हमें ये पता चलेगा कि जो पेरिकार्डियम है उसकी थिकनिंग हुई भी है। ठीक है, पहले इन्फ्लेमेशन होती है आपको पता है, उसके बाद फाइब्रोसिस, स्क्लेरोसिस, यहाँ तक बात प्रोग्रेस कर जाती है अगर हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल ना करें तो इसीलिए पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन भी हमें मिल सकती है। और हम क्या कराएंगे, ईसीजी कराएंगे जिसपे हमें लो वोल्टेज या नॉन स्पेसिफिक टी वेव चेंजेस मिलेंगी कि वेंट्रिकल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो हार्ट नॉर्मल होगा साइज में, क्योंकि चैम्बर्स की थिकनिंग हुई है, हार्ट साइज को एज सच इतना फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा कार्डिक कैथेटराइजेशन भी हम करा सकते हैं जिसमें हमें मार्क्ड वाइड डिसेंट मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, राइट एट्रियल, जो हमारे पास जो राइट एट्रियम है वहां पे हमें वाइड डिसेंट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा डीप और प्लेट्यू भी मिलता है, स्क्वायर रूट साइन भी मिलता है। क्या होता है स्क्वायर रूट साइन, गूगल से एक दफा पिक्चर देखने, बहुत ज्यादा डिटेल करने की इसकी जरूरत नहीं है कि क्या होता है स्क्वायर रूट साइन। बस ये बात याद रखनी है कि जब भी वर्ड आए कॉस्मॉल साइन प्रेजेंट है, स्क्वायर रूट साइन था कार्डिक कैथेटराइजेशन पे, डिस्निया था, ऑर्थोपनिया था और पोस्ट वायरल इन्फेक्शन था, ये चार चीजें अगर आ जाती हैं तो आपने कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस सोचना है। ठीक है, ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है कि हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं और डायूरेटिक्स देते हैं। क्यों, क्योंकि पेशेंट हमारे पास सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के साथ मोस्टली प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एसआईटीज, एडिमा, इस तरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एक तो सोडियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, साथ में डायूरेटिक्स देते हैं। अगर वॉल थिकनिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि हार्ट को बहुत ज्यादा फिलिंग प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम पेरिकार्डेक्टमी भी कर देते हैं।
ठीक है, कि उस थिकनिंग को रिड्यूस करने के लिए हम पेरिकार्डेक्टमी भी करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ देर इज एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।